हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि वह क्वेश्चन क्या है। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो में, हम आपको वो क्वेश्चन बता दें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि 11 में 4 कब जोड़ा जाए कि आंसर 3 आए। अब सोचेंगे आप लोग, यदि आप भी मैथ पढ़ते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए 11 में 4 कब जोड़ा जाए कि आंसर 3 आए। अब 11 में 4 जोड़ने पे भाई तो आंसर आएगा 15 आएगा, लेकिन 11 में 4 जोड़ा जाए तो आंसर 3 आना चाहिए। जरा सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आंसर 3 कैसे आएगा 11 में 4 जोड़ा जाए। तो हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन गाइस यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए 11 में 4 कब जोड़ा जाएगा कि आंसर 3 आएगा, जब आप लोग घड़ी देखते हैं, टाइम वॉच देखते हैं। जैसे जब आप 11 o'clock होता है, जब 11 बजता है तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 के बाद तो 12 होता है, फिर एक स्टेप गए 11 के बाद 12, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और 4 आ जाएगा। यानी कि जब 4 आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, किसमें, वॉच में, घड़ी में, वॉच घड़ी में। तो यही एक क्वेश्चन है कि 11 में 4 कब जोड़ा जाए कि उत्तर 3 आए। तो यही जब आप लोग यहाँ पर वॉच में जब आप लोग 4 ऐड करेंगे 11 में तो आपका आंसर आएगा 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये क्वेश्चन था ना अमेजिंग, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, और आप इसी क्वेश्चन को किसी से भी पूछ सकते हैं जो मैथ पढ़ता हो। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट डे। सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।